हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेताज किचन। भिंडी तो सभी लोग बनाते हैं, कई तरीके से बनाते हैं। आज मैंने भी एक अलग तरीके से भिंडी बनाई है। उसको मैंने दही के साथ बनाया है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने भिंडी ले ली है, इनको बड़े पीसेस में कट किया है और एक पैन को गर्म करके मैंने 2-3 स्पून ऑयल डाला है। फिर उसमें मैं भिंडी को शैलो फ्राई करूँगी, जिससे वो हल्की पक जाएंगी। तो देखिए, मैं भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इस भिंडी को डीप फ्राई नहीं किया है, मैंने केवल शैलो फ्राई किया है, उनको भूना है। ठीक है, तो ऐसे हम भिंडी को भून लेंगे और थोड़ा सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देंगे। ज़्यादा सॉल्ट डालना नहीं है, 2 चुटकी सॉल्ट यहीं डालना है। देखिए, नमक से भिंडी जल्दी पक जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने नमक डाला है। और अब हम भिंडी को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। भिंडी को केवल 30 सेकंड के लिए ढकना था, उसके बाद में देखेंगे भिंडी पक गई है, मतलब हल्की ब्राउन हो गई है। उसे तेज आंच करके और भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए, भिंडी लगभग भुन गई है, अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो भिंडियों को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसकी दही वाली ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद मैंने वही पैन यूज़ किया है, उसमें 4 स्पून तेल डाल लिया है। उसके बाद इसमें 1/4 स्पून जीरा डाल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा डालना है। 1 चुटकी मेथी दाना डालना है और 1/4 स्पून मस्टर्ड सीड डालना है, मतलब राई को डालना है या सरसों के सीड्स को डालना है। फिर 2 पिंच हींग डाल ली है, इनको अच्छे से पकने देना है। उसके बाद मैंने एक ग्रीन चिली और एक मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया था, वो इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ों को इसमें डाल लिया है। अब प्याज को अच्छे से फ्राई करना है हमें, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का पिंकिश हो जाए उतना ही फ्राई करना है। देखिए, प्याज हमारे पक रहे हैं। इस समय हमें गैस की आंच को मीडियम फ्लेम पर रखना है, तेज नहीं करना है। ये भिंडी है ना, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और ये नई तरह की भिंडी है, इसके साथ आपको कोई भी अलग से सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें अच्छी सी ग्रेवी भी होती है। अब इसमें हम 1 स्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे और 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। तो हमने तीनों मसाले यहाँ डाल लिया है। अब इन्हें को अच्छे से भूनना है। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, कच्चापन इनमें नहीं रहने देंगे। मसालों को हमेशा अच्छे से भूनना चाहिए, जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, हमारे मसाले भुन गए हैं। इसमें आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब बारी आती दही की, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है। अब इसे दही डाल देंगे। दही डालते समय गैस की आंच को धीमा रखना है, तेज नहीं करना है। उसके बाद दही को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो ये हमारी ग्रेवी बन गई है। ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसमें हम 1/4 स्पून नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर जो हमने भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी उनको इसमें डाल लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे भिंडियों के अंदर तक सारा दही का फ्लेवर आ जाए। भिंडी हमारी कितनी अच्छी लग रही है।
अब थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ देंगे। देखिए एक मिनट बाद हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है, इसको हम सर्व कर लेते हैं। भिंडी खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, तो इसको आप खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड सब्सक्राइब बटन होता है ना, उसको आपको टच करके ग्रे करना है। साथ ही साथ बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, जिससे जब भी मेरी नई रेसिपी आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, सी यू।